नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा अकेडमी की इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी प्लस के सेकंड रिजल्ट के एडमिट कार्ड कहां से और कैसे डाउनलोड करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए यही बताने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिए आप हमारे साथ, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, बात करते हैं यूपी प्लस की सेकंड रिजल्ट के बारे में। तो दोस्तों, बोर्ड ने सेकंड रिजल्ट है वह जारी कर दिया है और अब विद्यार्थी अपना एडमिट कार्ड और जो रिजल्ट है वह चेक कर पा रहे हैं और अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर पा रहे हैं। दोस्तों, यदि आप अपना एडमिट कार्ड या रिजल्ट चेक नहीं कर पा रहे हैं तो आप दोस्तों इस वेबसाइट पर आ जाइए जो मैंने आप यहाँ पर ओपन की है। दोस्तों, यह यूपी प्लस की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ऐसे जैसे यहाँ पर जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है। क्लिक हेयर फॉर DB PST और PET एडमिट कार्ड डाउनलोड। अब दोस्तों, आप यह बोल रहे होंगे कि यहाँ यह कैसे और कहाँ से आया। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जो यह वेबसाइट है या फिर जो यहाँ पर आपके सामने ऐसा लिखा आ रहा है वह क्रोम ब्राउज़र में लिखा नहीं आ रहा है। यदि दोस्तों आप मोबाइल के क्रोम में खोलोगे तो उसमें यह शो नहीं होता। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यह जो लिंक है जो मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ, इस लिंक को आप मोबाइल के ब्राउज़र में खोलें या फिर मोजिला में खोलें, क्रोम में नहीं खुलने वाला क्योंकि क्रोम में खुल भी नहीं रहा है। तो दोस्तों, यह जो लिंक रहेगी आपको हम इसको कॉपी करके सेम टू सेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहे हैं, जहाँ पर आप क्लिक करेंगे आप तुरंत ही यहाँ पर आ जाएंगे। दोस्तों, आप इसको क्रोम में नहीं खोलें, आपसे बार बार मैं बोल रहा हूँ, आप इसको मोजिला या फिर मोबाइल के जो ब्राउज़र रहता है उसमें खोलें, यह क्रोम में नहीं चलेगा। दोस्तों, जैसे ही आप ओपन हो जाएंगे, आप इसको ओपन करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। दोस्तों, आप यहाँ पर डायरेक्ट ही इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, एक दूसरा नया विंडो ओपन हो जाएगा। दोस्तों, ओपन होने के बाद आपके सामने एक नया विंडो लिखाएगा जहाँ पर आपको मांगा जाएगा कि यहाँ पर अपना पंजीयन संख्या और यहाँ जन्म तिथि डालें। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर डेट ऑफ बर्थ में आप पासवर्ड की जगह पर डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, आप यहां पर जो इमेज में दिया हुआ है वह इमेज में डाल दीजिए, यहां इस बॉक्स में डालना है जो इमेज में दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों, आपको करना है लॉगिन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, आप जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप क्वालिफाई होंगे तो आपका एडमिट कार्ड जो है DB के लिए वह डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपसे एक बार फिर से बोल रहा हूँ, जो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ वह क्रोम में नहीं चलेगी और ना ही अभी चल रही है। इसके लिए आप मोजिला में ओपन करें या फिर मोबाइल में ब्राउज़र में ओपन करें। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में बस यही जानकारी आप तक पहुँचानी थी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।